घूमने के कुछ मौके होते हैं जो आपकी जिंदगी में अचानक से आते हैं। हाय, मैं हूँ पंकज जीना और आज मैं आपको नैनीताल यात्रा पे ले जा रहा हूँ और साथ में ले जा रहा हूँ अपने उस दोस्त को जो चंडीगढ़ से मेरे साथ आया हुआ है। भाई कैसे हैं आप? बढ़िया जी, बढ़िया। कैसा लग रहा है यहाँ नैनीताल आकर? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। तो आज मैं आपको नैनीताल लेकर जाने वाला हूँ जी, बिल्कुल, और आपको दिखाने वाला हूँ नैनीताल में क्या क्या खास है। चलो चलते चले जी। बिल्कुल चलो जी। ऑफ ही ट्रैक पूरा ऑफ रोड है। भैया 20 रुपए का डाल दो, बहुत दूर जाना है। मुझे सबसे लगता है कि लाइफ बहुत बोझिल हो गई है या थोड़ा टफ हो गई है। सही। तो ये नैनीताल यात्रा का दिन जहाँ हम अपने दोस्त को दिखा रहे हैं नैनीताल, बता रहे हैं अपने नजरिए का। उम्मीद है उन्हें बहुत अच्छा लगा। वो पूछता हूँ भाई, अभी तक कैसा लग रहा? मेरे को तो मजा आ रहा है बहुत ही ज्यादा। हाँ, मतलब मेरे पास भी शब्द नहीं होते, जहाँ कुदरत की बात आ जाती है ना, मैं भी आउट ऑफ वर्ड्स हो जाता हूँ कि यार कैसी बयान करें इतनी सुंदर जगह को। है ना, सुंदर से भी बढ़ के कोई और सुंदर शब्द होते उसके लिए तो मैं बोल सकता। कभी कभी कुछ जगहों के बड़े मायने होते हैं ना, ये जगह ऐसी है। अगर इसमें तुम अपनी किसी महिला मित्र के साथ आते तो और ज्यादा बेहतर होता। कोई बात नहीं, मेरी है शिमले दीरार चंबा इतनी दूर है। नैनीताल का मौसम बंबई का फैशन कभी भी बदल, कभी भी बदल। इसे बाबा नीम करौली जी द्वारा स्थापित किया गया है। और एक और है मंदिर जैसे कैंची धाम के बारे में आपने सुना ही होगा जी। बिल्कुल। तो ये यहाँ उन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया। ये हनुमानगढ़ का एक पार्क है। हाँ जी। और आजकल तो काफी घास बड़ी हुई है, मुझे लगता है सीजन टाइम में कम हो जाएगी। इस जगह पर एको आता है। अच्छा, इसके नीचे जब भी बोलते हैं हेलो चेक 1 1 2 3 तो ये आप सुन रहे हैं आकाशवाणी। माइक चेक, माइक माइक चेक 1 2 3 आइए। लेकिन जो पुराने जमाने में हमारे घर हुआ करते थे पहाड़ों के, उनकी बनावट ऐसी होती थी। या ये पास ये पुराने जमाने का आर्किटेक्चर कर ले या फिर आर्ट है उस समय, उस जमाने की आर्ट ऐसी हुआ करती थी। सही, बहुत प्यारा है। आजकल तो ये नहीं बनता ना, अब तो नहीं बनता है। नई जनरेशन ने अपने आप को थोड़ा टाइल्स वाली दुनिया में एस्थेटिक बना लिया ज्यादा ही। हाँ, असल में एस्थेटिक ये है, एस्थेटिक ये है। सही, ध्यान से देखो ना ये जो बनावट है, हालांकि इसका कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, 15-16 साल पुराना है जी, जी, पर पहले से ऐसे ही बनाया करते थे। इसका रखरखाव ठीक से नहीं हुआ, नहीं तो ये पुराना घर आपको बहुत खूबसूरत लगता। मेरे पसंदीदा जगहों में से एक है ये जगह, बहुत सुंदर है। आपकी पसंद ही बहुत सुंदर है। अरे दोस्त हो क्या? हाँ। पुराने कितने साल हो गए दोस्ती को? बचपन के दोस्त। अरे लेकिन फिर ऐसे प्लान कैसे बनाने का? प्लान का भैया मत पूछो। हाँ कैसे? शाम को ऐसे ही बस में बैठ के निकल आए। बस बस ऐसे ही। एक मिली मैनु अप्सरा कन्ना दे विच वालियां ज़ुल्फां कालियां कालियां अखां नीलियां नीलियां।
यहाँ पहले स्टेज सजा करता था इस तरफ, और यहाँ पूरी ऑडियंस बैठा करती थी इस तरफ। एक प्ले था हैमलेट, तो हमने किया था। ये पेड़ प्रॉपर्टी हुआ करता था और यहाँ ग्रीन रूम होता था पीछे, और वहाँ से कभी कभी एंट्री होती थी, वहाँ से ऐसे एंट्री होती थी। यहाँ पूरी वो लगी रहती थी, धागे बंद रहते थे, यहाँ से हम परफॉर्म करते थे। देवी और सज्जनों, आपका स्वागत है हमारे इस थिएटर में। आज हम जो नाटक आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, वो नाटक हमारे दिल से आपके दिल तक पहुंचेगा। क्या बात है, और आज ऑडियंस में सिर्फ मैं हूँ। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, उस पार जो जो सुनने वाले होंगे, हाँ, वो काफी ज्यादा है, वो काफी ज्यादा है। शुक्रिया। ये मेन बाजार है यहाँ का, मल्लीताल मार्केट के नाम से। तो ये जो रसमलाई है ना, मैं कॉलेज टाइम से यहाँ आता था और यहाँ आकर के रसमलाई खाता था। ये है सरस्वती रेस्टोरेंट नैनीताल का। और आज भी जब अपने आप को कॉलेज का फील करना होता है ना थोड़ा, मतलब तो इसीलिए हम यहाँ आ जाते हैं और यहाँ आकर के रसमलाई खाने लगते हैं। रसमलाई का मजा लीजिए भाजी। जी बिल्कुल भाई, ये नैनीताल का भीड़ भरा इलाका है। शाम के वक्त में यहाँ बाजार करते हैं और हमें अभी जूम नहीं करते। कैपिटल सिनेमा है, नैनीताल का एकमात्र सिनेमा हॉल, और जो शायद जिसमें हमारे चाचा पिताजी ने भी फिल्म देखी। हम भी कभी कभार यहीं फिल्में देखा करते हैं। क्या? मैंने अपने जीवन की पहली फिल्म भी यहीं देखी थी। किसके साथ? मैंने अपने नहीं, अकेले अपने दोस्त के साथ। अरे यार। जिसके बारे में लैला मजनू फिल्म में भी बोला गया, कहते हैं कभी अंग्रेजों ने आकर के यहाँ ये उगा दिया था। पर आज हाल ये है कि नैनीताल की शान ही ये पत्ता है, ये पेड़ है। गुरी जी, पूरा दिन निकल गया आज तो। और क्या, आप कहते हो ना लोगों को पहाड़ दिखाना है तुम्हें, आसमान दिखाना है तुम्हें। वो क्या जाने कि वो सिर्फ बैठ के सुन रहे हो और आप मुझे यहाँ दिखा रहे हो वो चीजें। सच में क्या बात है यार। सही में अभी आसमान तो अभी दिखा भी नहीं सकते ना कैमरे में भाई। कैमरे में नहीं दिख सकता, बट जो हम खुली आंखों से देख रहे हैं वो नहीं कर सकते ना। गजब है, गजब गजब हो रहा भाई। तो चलो फिर इसी के साथ आज का दिन यहाँ पर पूरा होता है। थैंक यू सो मच गुरी, अरे थैंक यू सो मच आज के दिन को खूबसूरत बनाने के लिए भाई। थैंक यू सर, खूबसूरत बनाने वाले और वो है खूबसूरत बनाने वाले जहान को। आहा, क्या बात है, शुक्रिया घुमाने के लिए और इतना वक्त आपने निकाला उसके लिए।